हेलो दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम गुप्तोत्तर काल के प्रमुख शासक वंश के अंतर्गत एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण वंश पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति का जीवन परिचय को पढ़ेंगे एवं पुष्यभूति वंश के महान शासक हर्षवर्धन के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का हमारा पहला टॉपिक है थानेश्वर का पुष्यभूति अर्थात वर्धन वंश। गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत के राजवंशों में थानेश्वर का पुष्यभूति वंश सर्वाधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली सिद्ध हुआ। इतिहास में यही राजवंश वर्धन वंश के नाम से प्रसिद्ध है। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था, इम्पोर्टेंट है। इस वंश को वैश्य जाति से संबंधित माना जाता है। पुष्यभूति गुप्तों के सामंत थे, किंतु हूणों के आक्रमण के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। इम्पोर्टेंट है। यह राजवंश हूणों के साथ हुए अपने संघर्ष के कारण प्रसिद्ध हुआ। इस वंश में नरवर्धन, आदित्यवर्धन तथा प्रभाकर वर्धन जैसे शासक हुए। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र राजवर्धन एवं हर्षवर्धन तथा पुत्री राजश्री थी। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी वंश के शासक गृहवर्मन के साथ हुआ था। गौंड शासक शशांक द्वारा राजवर्धन को मार दिए जाने के बाद हर्षवर्धन शासक बना। अब देख लेते हैं हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी, राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हेनसांग हर्ष को शिलादित्य के नाम संबोधित करता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हर्ष का साम्राज्य सामंती संगठन पर आधारित था, वेरी इंपॉर्टेंट। जो हर्ष की उपलब्धियां परम भाटक महाराजाधिराज सकलो उत्पत्थेश्वर चक्रवर्ती सर्वभौम परमेश्वर परम महेश्वर आदि से स्पष्ट होता है। इम्पोर्टेंट है, इनकी उपलब्धियों को याद रखेंगे। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे है गुप्तों के विघटन के बाद उत्तर भारत में जिस राजनीतिक विकेंद्रीकरण का युग प्रारंभ हुआ, हर्षवर्धन के राजरोहण के साथ ही उसकी समाप्ति हुई। वर्धन वंश के इस यशस्वी सम्राट ने अपने यश के द्वारा उत्तर भारत के विशाल भूभाग को अपने साम्राज्य के अंतर्गत संगठित किया। अब देख लेते हैं हर्ष का शासनकाल। हर्ष ने शशांक गौड़ शासक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। उसने उत्तरी भारत के अन्य राजाओं को भी अपने अधीन कर लिया। हेनसांग के विवरण के अनुसार हर्ष ने उत्तरी भारत के पांच राज्य को अपने अधीन किया। संभवतः यह पांच राज्य थे पंजाब, कन्नौज, गौंड या इसी को बंगाल बोलते हैं, मिथिला और उड़ीसा। पश्चिम में उसने बल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय से अपनी पुत्री का विवाह कर शत्रुता समाप्त कर दी और मैत्री संबंध स्थापित किया। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। ऐहोल प्रशस्ति में इसका उल्लेख मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का प्रतापी शासक था। हर्ष ने कश्मीर पर आक्रमण कर वहां से भगवान बुद्ध का दांत कन्नौज के निकट संघाराम में स्थापित किया। इंपॉर्टेंट है। कश्मीर अभियान के पश्चात हर्ष ने दक्षिण अभियान किया। हर्ष ने नर्मदा नदी के दक्षिण में सैनिक अभियान कर कुंतल, चोल और कांची की विजय की। इंपॉर्टेंट है। उसके साम्राज्य में प्रायः संपूर्ण उत्तर भारत सम्मिलित था। यह उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तथा विंध्य पर्वत तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र से पश्चिम में सौराष्ट्र एवं कठियावार तक विस्तृत था। हर्ष ने संभवतः 647 ईस्वी तक शासन किया। चूंकि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, अतः उसकी मृत्यु के बाद उत्तर भारत में पुनः अराजकता फैल गई तथा कन्नौज पर अर्जुन नामक किसी स्थानीय शासक ने अधिकार कर लिया। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा क्लास खत्म होता है। अगले वीडियो के माध्यम से हम गुप्तोत्तर काल के ही प्रसिद्ध शासकों के अंतर्गत हर्षवर्धन कालीन साहित्य के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों, हमारे आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें एवं कमेंट करें। पढ़ते रहें, रोज नया सीखते रहें। धन्यवाद।